हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल रिसर्च के बारे में और ये है साइनोप्सिस इंट्रोडक्शन फिर हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में इसकी डेफिनेशन के बारे में साथ ही इसके स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे सोशल रिसर्च के मैथड्स के बारे में सब्सक्राइब ना एंड प्रेस एन अपडेट गाइज अगर आप लोग इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह भी गिवन है कि उस लिंक को कैसे ओपन किया जाए थैंक यू गाइस सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिसर्च सबसे पहले सोशल रिसर्च एक कॉम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का सोशल जिसका तात्पर्य सोसाइटी से है वहीं री जिसका मतलब अगेन एंड अगेन से है और आखिर में आता है सर्च जिसका मतलब टू फाइंड और टू इन्वेस्टिगेट है सोशल रिसर्च इज ए प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट द सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड द कोज एंड गिव सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाई सोसाइटी। सो अब हम बात कर लेते हैं सोशल रिसर्च के मीनिंग के बारे में सोशल रिसर्च एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से सोशल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स लर्न करते हैं सोसाइटी और इंसानों के बारे में सोशल रिसर्च वर्क्स टू आंसर मैनी ऑफ द क्वेश्चन वी हैव अबाउट ह्यूमन बिहेवियर थ्रू साइंटिफिक स्टडीज सोशल रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड द हाउ एंड वाई ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च अकॉर्डिंग टू वेल एंड सोशोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू द स्ट्रक्चुरहेवियर सो अब हम बात कर लेते हैं सोशल रिसर्च के स्कोप के बारे में सबसे पहले देर इज अ ट्रिमेंडिया स्कोप इन द सोशल रिसर्च सच एज टू डिस्कर न्यू आइडियाज टू प्रोवाइड प्रिंसिपल्स फॉर प्रॉब्लम्स टू फाइन न्यू आइडियाज एंड वेरीफाई ओल्ड आइडियाज

हम बात करने वाले हैं के स्टडीज़ सबसे पहले यह एक टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का अगर गाइस आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का नहीं पता है देन क्वालिट रिसर्च वे रिसर्च होती है जो बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा में होती है सो गाइस के स्टडीज़ में हम इन डेप्थ एनालाइजेशन करते हैं इसमें गाइस रिसर्चर इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन की हेल्प लेते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एनालाइजिंग ए पर्सनैलिटी सफर्स सेवरल अमाउंट ऑफ रेडिएशन ताकि हम उसके बारे में और जानकारी पता कर सकें नेक्स्ट है गाइस फोकस ग्रुप दोस्तों यह मेथड एक क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप है इसमें डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता और इस मेथड में स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस ग्रुप के रिसर्चर्स वहाँ आपके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल्स उस डाटा की फीलिंग्स और उनके ओपिनियंस को एनालाइज करते हैं नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इस मेथड में रिसर्चर्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस आस्क करते हैं अबाउट रिलेवेंट रिसर्च क्वेश्चंस। गाइस, दिस मेथड अपोज क्वेश्चनरीज और सर्वेज रिसर्च दिस मेथड इज़ क्वालिटेटिव टाइप क्योंकि यह आंसर की जेनरोसिटी और उसकी क्वालिटी में विश्वास करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट पे किसी भी पार्टी के द्वारा की जाती है अब हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडल स्टडीज गाइस इस मेथड में एक बहुत बड़ा समय लग जाता है लगभग ईयर्स स्पेसिफिक डाटा को गैदर और एनालाइज करने में और क्योंकि इस मेथड में इतना समय लगता है इसलिए यह मेथड थोड़ा चैलेंजिंग होता है पूरा करने में एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल बच्चे की ऑब्जर्वेशन एंड स्टडीज़ जिसमें लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं सर्वेज एंड क्वेश्चनरी मेथड की इस मेथड में रिसर्चर्स काफ़ी सारे लोगों से सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं यह मेथड स्टैटिकली इंफॉर्मेशन पर डाटा एनालाइज करता है इसलिए यह एक क्वालिटेटिव मेथड है गाइस कोरिलेशन स्टडीज़ इस मेथड में रिसर्चर्स जनरेट करते हैं कोरिलेशन किसी भी दो सोशल वेरिएबल्स में और गैदर करते हैं स्टेटेटिक्स को डाटा एनालाइज करने के लिए इसलिए यह क्वालिटेटिव टाइप ऑफ सोशल रिसर्च है एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्टडी करना पास आउट फाइव थाउजेंड ला स्टूडेंट्स और ला एस्पीरेंट्स के बीच में या फिर फाइव थाउजेंड पास आउट बी ए स्टूडेंट्स और यू पी एस सी के बीच में ये गाइज एग्ज़ाम्पल थे कोरिलेशन कोरिलेशन स्टडीज़ के अब हम बात करने वाले हैं डेल्फी मेथड्स डेल्फी मेथड्स में रिसर्चर एक्सपर्ट मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग करते हैं फिर उसके डाटा को एनालाइज़ किया जाता है पैनल ऑफ़ एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को हायर करना किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ डिजीज़ के लिए ताकि वे एक ड्रग्स के इफ़ेक्ट को जान सके वे उस डिज़ीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव गाइस डेल्फी मेथड कॉम्बिनेशन है बोथ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप्स का ट्रायंगुलेशन मेथड गाइस इस मेथड में रिसर्चर्स क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और उनके आंसर्स के लिए वेरियस टाइप्स की हेल्प लेते हैं जैसे मल्टीपल डाटा शीट मेथड्स थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेश गाइज ट्रैंगुलेशन मैथड बो टाइप ऑफ रिचर्स पे बेस्ड है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पे हम यह कह सकते हैं ये मैथड मिक्स मैथड है दोनों टाइप का क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एग्जाम्पल गाइज किसी भी टीम के बिहेवियर स्ट्रक्चर और न्यूरोल डाटा को स्टडी करना कि वे एक टीम ग्रुप के अंदर क्यों कोऑपरेट करते हैं बजाय कि एक सेल्फिश बिहेवियर के